नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। रात के 10:30 बज चुके हैं और बेसब्री से आप सब करते हैं इसी वक्त का इंतजार, और हमें भी रहता है इस वक्त का इंतजार क्योंकि आपको हम रूबरू करवाते हैं रोज की तरह पवित्र रिश्ता के हर एक एपिसोड से। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र रिश्ता के 13वें एपिसोड को लेकर, यानी कि पवित्र रिश्ता के 13th एपिसोड को लेकर कि आखिर इस 13वें एपिसोड की कहानी ने कौन सा दिलचस्प मोड़ लिया और कौन सा दिलचस्प सा सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर अर्चना की माँ शुरुआती वक्त से ही, जब से शो की शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर परेशान है अपनी बेटी अर्चना के लिए रिश्ते को लेकर। अर्चना के लिए चाहती है पढ़ा लिखा पैसे वाला रिश्ता ढूंढना, और फाइनली अब वो रिश्ता उनके घर पर आ भी जाएगा और ये रिश्ता तय भी हो जाएगा। लेकिन इस रिश्ते की बात कैसे चलेगी, किससे चलेगी, क्यों चलेगी, और उसके बाद अर्चना की भाभी मंजू और उसकी माँ कौन सा नया खेल खेलेंगे अर्चना के इस रिश्ते को खराब करने का, देखिए ये रिपोर्ट। पवित्र रिश्ता के 13वें एपिसोड की शुरुआत होती है मानव और तरुण के साथ, जहाँ पर मानव और तरुण को लेकर आई है बड़ी खबर सामने। तरुण यहाँ पर मानव से जिद करता है कि वो आज अपने मानव दोस्त को एक ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ पर मानव जाते ही खुश हो जाएगा। मानव कई सारे सवाल करता है तरुण से कि आखिर वो उसे कहाँ ले जाने वाला है, जिसके बाद तरुण मानव को कुछ भी नहीं बताता। मानव तरुण को तैयार करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाया जाता है अर्चना का परिवार। अर्चना का परिवार जो इंतजार कर रहा है लड़के वालों का, अर्चना का परिवार जो इंतजार कर रहा है उस परिवार का जिस परिवार से जुड़ने वाला है अर्चना का रिश्ता। लेकिन यहाँ पर अर्चना की माँ सुलोचना है जो अर्चना के रिश्ते को लेकर अभी भी परेशान है, क्योंकि अर्चना की माँ को लगता है कि जो लड़के वाले रिश्ता करने आ रहे हैं अर्चना के लिए, ज़रूर या तो वो गरीब होगा या फिर पढ़ा लिखा नहीं होगा या तो उसकी सैलरी अच्छी नहीं होगी, और इसीलिए वो लोग अर्चना के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अर्चना की माँ सोचती है कि वो अर्चना के लिए ऐसा रिश्ता आए उससे पहले ही वो उस रिश्ते को तोड़ देगी। इसी के साथ सीन पलटता है, दिखाया जाता है अर्चना को। अर्चना जो अपनी बहन के साथ किचन में वर्षा के साथ बात कर रही होती है, अर्चना जो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये लड़के वाले कौन है, लेकिन मुझे अंदर से डर लग रहा है कि आज जरूर कुछ होने वाला है। इसी के बाद सीन पलटता है, पहुंचता है अर्चना के भाई विनोद पर, जहां पर अर्चना का भाई विनोद जैसे ही आता है वैसे ही अर्चना के पिता कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अर्चना को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। सीन पलटता है, पहुंचता है अर्चना की माँ सुलोचना पर, जहां पर अर्चना की माँ सुलोचना बात कर रही होती है अपने बेटे विनोद से लड़के वालों को लेकर। कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये परिवार ना अच्छा हो, ना लड़का कमाता हो और ना पढ़ा लिखा हो, और ऐसे घर में अपनी बेटी अर्चना का रिश्ता करना मैं कभी भी मंजूर नहीं करूंगी, और यहाँ पर जैसे ही लड़के वाले आएंगे मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। इसी के साथ सीन पलटता है, पहुंचता है फिर से मानव की तरफ, जहाँ पर मानव एक बार फिर से याद कर रहा होता है अर्चना को। अर्चना की सारी मेमोरीज एक बार फिर से फ्लैशबैक होती है, जहाँ पर अर्चना की मुलाकात कैसे पहली बार ट्रेन में हुई थी, सड़क पर हुई थी, और उसके बाद कैसे उसने अर्चना को, अर्चना के चेहरे को देखा था बीच सड़क पर बरसात के बीच। ये सारी मेमोरीज एक बार फिर से अर्चना की फ्लैशबैक होती है मानव के सपनों में। इसी के साथ सीन दोबारा पलटता है और दिखाया जाता है अर्चना का परिवार, जहाँ पर अर्चना के घर पर पहुँच जाते हैं लड़के वाले। बता दे कि ये लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि होती है सतीश की फैमिली, वही सतीश जिसके साथ अर्चना की माँ ने अपनी बेटी अर्चना के रिश्ते की कामना की थी, सपने सजा रही थी कि अगर सतीश के साथ उसकी बेटी अर्चना का रिश्ता हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब समझेगी खुद को, क्योंकि सतीश से पढ़ा लिखा नहीं, उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसका खानदान और परिवार भी अच्छा है, और ऐसे में वो सतीश के साथ अपने बेटी अर्चना की शादी कर उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। सतीश को अपने घर पर देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अर्चना की माँ सुलोचना, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें के बारे में, अर्चना के बारे में ये परिवार कुछ नहीं जानता। इसीलिए जैसे ही बात बढ़ती है आगे तो अर्चना की माँ सुलोचना सबके सामने कहती है, यानी कि सतीश के परिवार के सामने कहती है कि रिश्ते की बात आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अर्चना सिर्फ
आठवीं पास है। वो घर के सभी कामों में गुणी है, लेकिन वो ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही वो नौकरी करती है। ये दो गुण मेरी बेटी अर्चना में नहीं है, तो क्या आप ऐसे में मेरी बेटी अर्चना का हाथ थामना चाहेंगे? मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से मेरी बेटी को कोई रिजेक्ट करे या फिर से ये बात आगे बढ़े और बात बढ़ते बढ़ते फिर से टूट जाए, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ी और फिर टूट गई तो वो ज़्यादा तकलीफ देती है। इसीलिए बेहतर होगा कि इस बात को यहीं रोक दिया जाए। इस पर सतीश कहता है कि मैंने आपकी बेटी को पसंद किया है, मैं उस वक्त वहीं था जब टूटी थी शादी मंजुषा के भाई अजीत की और मनीषा की। मैंने देखा था कि किस तरह अर्चना पर इल्जाम लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना रिश्तों को संभालने और जोड़ने के लिए वहां पर चुप थी। अर्चना ने सारे गुनाहों को खुद पर ले लिया और उसके बावजूद भी खुद को सही साबित करने की जगह उसने चुप्पी साधे रखी। ये सबसे बेहतरीन गुण है। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्चना की माँ सुलोचना काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ सतीश कहता है कि वो अर्चना की इसी खूबी को देखते हुए उनके घर पर रिश्ता लाया है। इसी के साथ अर्चना की माँ सुलोचना जाती है अर्चना के पास और अर्चना को सजा कर ले आती है सतीश के परिवार के सामने, जहाँ पर सतीश की फैमिली अर्चना को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ अब सतीश कहता है कि वो अर्चना से अकेले में बात करना चाहता है, जिसके बाद विनोद अर्चना और सतीश को अंदर कमरे में ले जाता है। अर्चना सतीश दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहां पर अर्चना सवाल करती है कि सतीश इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी सैलरी लेता है, तो आखिर क्यों उसने अर्चना से शादी करने की मांग रखी, क्योंकि अर्चना सिर्फ आठवीं पास है। इस पर सतीश कहता है कि उसने सिर्फ अर्चना के गुण देखे हैं, उसके संस्कार देखे हैं, जो किसी स्कूल में जाकर या पढ़ने से नहीं आते, जो सिर्फ अपने परिवार के बीच में रहकर आते हैं, और वो सारे गुण तुम में हैं, जो परिवार को बांध कर रख सकती है, जो परिवार को समझ सकती है और रिश्तों को टूटने से बिखरने से बचा सकती है, और मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकती। ये सुनकर अर्चना काफ़ी खुश होती है। अर्चना को भी सतीश काफ़ी पसंद आता है और सतीश को अर्चना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इसी के साथ जैसे ही अर्चना और सतीश जाने लगते हैं, तो सतीश अर्चना की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। बाहर जाकर सतीश कहता है कि अर्चना और सतीश दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की तैयारी शुरू करो। बता दें कि अर्चना की भाभी मंजू को सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात काफ़ी ज़्यादा खटकती है और ये बात लेकर सीधा पहुँचती है अर्चना की भाभी मंजू अपने मायके यानी कि अपनी माँ के पास, जहाँ पर अर्चना की माँ कहती है कि वो अब अर्चना के खिलाफ ऐसी बातें फैलाएगी जिससे अर्चना और सतीश का रिश्ता टूट जाएगा और सतीश दोबारा अर्चना से शादी करने की मांग नहीं रखेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मानव के सामने भी ये सच आ जाता है अर्चना के घर बाहर पहुंचते ही कि अर्चना का रिश्ता किसी सतीश नाम के लड़के से हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और काफ़ी अच्छी सैलरी लेता है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये देखकर मानव को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और तरुण भी ये सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद तरुण मानव को रोकने की कोशिश करता है और अर्चना के घर जाने की जिद भी करता है, लेकिन मानव तरुण से कहता है कि जो लिखा है वही होगा, अगर मेरी किस्मत में अर्चना लिखी होगी तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर नहीं लिखी है तो मैं उसे छीनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इस तरीके से ये था पवित्र रिश्ता के 13वें एपिसोड का पूरा ट्रैक। ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पवित्र रिश्ता को लेकर, जिसमें हमने किया है खुलासा कि किस तरह 13वें एपिसोड में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां पर अर्चना और सतीश का रिश्ता तो तय हो जाएगा, लेकिन इस रिश्ते को किस तरह तोड़ती नजर आएगी अर्चना की भाभी मंजू, जो लेगी अपने भाई विनोद के टूटे हुए रिश्ते का बदला, खेलेगी खेल अर्चना और अर्चना के परिवार के साथ, सतीश को भड़का देगी, उसके परिवार को भड़का देगी और उसके बाद टूटेगा रिश्ता सतीश और अर्चना का, और अर्चना का रिश्ता फिर से घूम फिर कर आ जाएगा मानव तक। ये ट्विस्ट आने वाला है शो के अपकमिंग ट्विस्ट में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ।